हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आया आप लोग के लिए रियलमी वॉच एस। बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी का ये वॉच है रियलमी की तरफ से, वॉच एस प्लस। इसकी अगर हम एमआरपी देखें तो यहाँ पे हमें 7999 है, जो कि मार्केट में आपको 5000 के अराउंड मिल जाएगी। और अगर बॉक्स में लिखे फीचर्स को देखें तो हमें इसमें 1.3 इंच की ऑटो ब्राइटनेस टच स्क्रीन मिल जाती है, हार्ट रेट मॉनिटर दी गई है, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर है, प्लस साथ ही में 16 स्पोर्ट्स मोड्स भी दी गई है और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ है, प्लस IP68 की वाटर रेसिस्टेंस है और इसे हम रियलमी लिंक ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही हमें यहाँ पे पहले वॉच दिख जाता है, जो कि ब्लैक कलर में है। बहुत ही प्रीमियम सा डिज़ाइन है वॉच का। निकाल लेते हैं इसको। प्लस दो बटन्स दी गई है और ये बहुत ही एलुमिनियम एलॉय का है। प्लस पीछे हमें सेंसर्स मिल जाते हैं, चार्जिंग मिल जाती है। इसे साइड करके हम अभी चेक करेंगे नीचे में क्या दी गई है। तो इसके नीचे हमें मिल जाती है कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, लाइक यूज़र मैनुअल दी गई है। यहाँ से आप पढ़ के मोड्स वगैरह सीख सकते हैं। प्लस यहाँ पे चार्जिंग डॉक मिल जाती है, एक मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक है। काफ़ी प्यारा सा लग रहा है और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, तो इसे भी हम साइड कर देंगे अभी। और हम अभी चेक करेंगे वॉच को। तो ये रहा हमारा वॉच ब्लैक कलर में, एल्यूमिनियम एलॉय केस है। प्लस साथ ही में इसमें हमें फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी मिल जाती है और पीछे बहुत ढेर सारे सेंसर्स दी गई है। प्लस यहाँ पे ये बटन्स है, दो बटन से, एक ऑन ऑफ के लिए, एक बैक बटन है। प्लस हमें अगर स्ट्रैप्स को देखें तो ये ब्लैक कलर में है, और भी ढेर सारे कलर्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। तो हम इसे ऑन करते हैं और चेक करेंगे इसकी डिस्प्ले को और ढेर सारे फीचर्स तो जो दी गई है उसे भी हम देखेंगे। तो ऑन होने के बाद वॉच ऐसा कुछ दिखता है। ये रहा इसका मेन्यू। प्लस यहाँ पे जैसे कि क्लॉक सेटिंग्स, बहुत सारी चीज़ दी गई है और ये लाइट्स भी ब्लिंक कर रही है सेंसर्स के, तो इसका मतलब परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो हम अभी इसकी सेटिंग्स को चेक करेंगे। सेटिंग्स पे जाते ही हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टम। यहाँ से हम स्क्रीन, वेक टाइम, एवरीथिंग चेक कर सकते हैं। प्लस डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है जैसे कि ऑटो ब्राइटनेस भी दी गई है, जो कि लाइट कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। पावर सेविंग मोड है। प्लस यहाँ पे जैसे कि हम सिस्टम्स देखें तो यहाँ पे रिस्टार्ट, पावर ऑफ, रिसेट, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्लस यहाँ पे हम अबाउट चेक करेंगे। ये रहा इसका नंबर्स, हार्डवेयर वर्जन्स, सॉफ्टवेयर वर्जन्स। यहाँ पे मेनू में देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्लड मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर, स्पोर्ट्स मोड्स के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी दी गई है, जहाँ पे हमें 16 स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाते हैं। आउटडोर रन, वॉक, आउटडोर साइकिलिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बहुत सारे मोड्स दी गई है। तो आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने PIP में दे दिया है एक स्क्रीनशॉट जिसमें सारा कुछ मोड्स डिस्क्राइब्ड है। यहाँ से हम म्यूज़िक कंट्रोल्स भी कर सकते हैं, प्लस कैमरा शटर्स कंट्रोल भी हो जाएगा। अगर आप फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं, तो उस टाइम आप वॉच में क्लिक करके ही शटर को क्लिक कर सकते हैं। प्लस यहाँ से हम वॉच फेसेस भी चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। डायरेक्टली यहाँ से कुछ वॉच फेसेस चेंज कर सकते हैं। जो हमारा रियलमी लिंक ऐप है वहाँ से हम ढेर सारे ऑप्शंस हमें अवेलेबल मिल जाते हैं वॉच फेसेस के। तो ऑलमोस्ट 100+ वॉच फेसेस हमें क्लाउड से मिल जाती है। तो अगर डिस्प्ले को देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव डिस्प्ले है, कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा है और विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी लग रही है और ये वॉच फेसेस मुझे खास करके बहुत सुंदर लगा। और बहुत सारे फीचर्स इसमें दी गई है जो कि हम ऐप से कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा सिनेमेटिक क्लिप देख लीजिए जो मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है।
वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया है, रियलमी लिंक ऐप, जो प्ले स्टोर्स में आपको आसानी से मिल जाएगी। प्लस हम अभी इसमें लोकेशंस को एनेबल कर देंगे और साथ ही में इसको हम अभी कनेक्ट करेंगे अपने वॉच के साथ। यहाँ पे ये मेन्यू है, प्लस यहाँ पे लॉगिन करना होगा हमें, तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन मैंने कर लिया है, तो अभी इसे कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से और जल्दी जल्दी चेक करेंगे इसके फीचर्स वगैरह। तो यहाँ पे कुछ पहले हमें ऑप्शंस मिल जाती है सिलेक्ट करने को, जैसे कि जेंडर्स, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, ये सब अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और कुछ कुछ परमिशंस भी आएंगे जिसे आप देख समझ के एक्सेप्ट कीजिएगा, अलाउ कीजिएगा, और जो आपको नहीं चाहिए उसे आप डिनाई भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देख के सारा कुछ कर दिया है। तो सारा कुछ सेटिंग्स करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है जहाँ पे हम वेरियस टाइप के फेस गैलरी में जाके फेस वॉच फेसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस ऐप नोटिफिकेशंस आप सेट कर सकते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस के लिए चाहिए, बहुत सारे रिमाइंडर्स भी मिल जाएंगे। तो जो आपका हिसाब से आप प्रेफरेबल सेटिंग्स चूज़ करके इसमें रख सकते हैं। बाकी ऐप अपडेट्स भी आते रहते हैं, उसको भी अप टू डेट कर लीजिएगा। तो यही कुछ सेटिंग्स थी जो ऐप में अवेलेबल थी, तो मैंने अब कोशिश की आप लोग को दिखाने की। और भी ऐसे वॉचेस आएंगे तो मैं ज़रूर उसकी अनबॉक्सिंग्स और फीचर्स आपको ज़रूर बताऊंगा। और बहुत सारे ब्रांड्स के भी वॉचेस आते हैं जो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाने की, जो बजट कैटेगरी में भी आते हैं, थोड़ा सा ऊपर रेंज में भी, प्रीमियम कैटेगरी में भी आ जाते हैं। तो यही था आज का इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे कंटेंट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। टिल डेट, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पर।